ओके हेलो मे सी वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे ओके okay? तो देखिए हमने हमारी यूनिट स्टार्ट की थी सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट यानी कि वाली यूनिट हम स्टार्ट कर चुके थे इसका आज हमारा लेक्चर नंबर वाला है और आज के इस थर्ड लेक्चर पर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ओके तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है काफी इजी चैप्टर है मतलब काफी इजी टॉपिक है आपको भी क्लियर हो जाएगा आप जो सुनते रहिएगा ओके तो स्टार्ट करें लेक्चर को चलिए ओके तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पे बात नहीं कर रहे सबसे पहले ही बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोफोबिसिटी फोबिसिटी की ये बात कर रहा है ये देखो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो क्या हुआ एक टाइप का फिनोमिना हुआ हाइड्रोफोबिसिटी क्या हुई एक टाइप की एक्टिविटी हुई एक टाइप की प्रॉपर्टी हुई ओके तो फर्स्टली हाइड्रोफोबिसिटी पे डिस्कशन लेते हैं देन हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पे बात करेंगे ओके आपके सिलेबस पर सिर्फ हाइड्रोफोबिक है ठीक है तो हम सिर्फ हाइड्रोफोबिक के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे तो देखो फर्स्टली बात करते हैं हाइड्रोफोबिसिटी क्या होती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिसिटी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइड्रो प्लस फोबिसिटी तो ये बोल रहा है हाइड्रोफोबिसिटी जो टर्म है ये ग्रीक से आया हुआ है जहां ग्रीक से ग्रीक के कौन से टर्म से हाइड्रो प्लस फोबिसिटी हाइड्रो मतलब आप लोगों को मालूम है क्या होता है वाटर होता है फोबिसिटी मतलब क्या होता है फेयर होता है फोबिया होता है ओके okay? तो ये क्या बोलेगा कि हाइड्रो okay? कि हाइड्रोफोबिसिटी क्या है एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मटीरियल की किसी सब्सटेंस की जो कि उसको क्या है हाइड्रोसेफोबिया देता है हाइड्रोसेफोबिया देता है मतलब वॉटर से उसको रिपल करता है या फिर वॉटर से उसको फेयर देता है इस प्रॉपर्टी को किसी भी की की किसी भी की, क्या बोला जाता है हाइड्रोफोबिसिटी इतनी चीज क्लियर आए वापस से बताऊं देखो हाइड्रोफोबिसिटी क्या होती है हाइड्रोफोबिसिटी एक टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कुछ मटीरियल्स की कुछ सब्सटेंस की और इस फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है इस फिजिकल प्रॉपर्टी में मटेरियल को हाइड्रो से फोबिया होता है यानी कि हाइड्रो से फेयर होता है वो हाइड्रो को रिपिल करता है वाटर को रिपिल करता है इसी चीज क्लियर आई सेकंड क्या बोल रहा है सम ऑफ द कॉमन नेचुरल हाइड्रोफोबिक मटेरियल आर द वैक्स ऑयल फैट ओके तो अगर आप कोई नेचुरल हाइड्रोफोबिक मटीरियल की बात करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वैक्स ऑयल फैट तो ये तो आपने कॉमनली देखा ही है वगैरह क्या होता है? Water से दूर -दूर है, water से दूर-दूर जाते हैं, हैं, हैं करते है, मतलब, रिपल करते मतलब इन आपने ये चीज देखी है ना आप अगर आ, क्या कोई वैसन ले रहे हैं कोई बीकर ले रहे हैं इस पर आप वाटर डाल रहे हैं और वाटर में कुछ ऑयल डाल रहे हैं या फिर फैट डाल रहे हैं, वैक्स डा, डाल रहे हैं तो ये क्या करते हैं वाटर में घुलते नहीं क्या करते हैं अपना ही एक स्पेरिकल ड्रॉप जैसे बन के

कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बॉर्डर जिसके साथ कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना वाटर जिसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है वो आपका क्या है हाइड्रोफोबिक है या फिर फिलिक है कैसे मैं आपको जिस बताती हूँ देखिए ये बोल रहा है दो केस मैं आपको यहाँ पर देखते हुए चलती हूँ तो देखो पहला केस आपको ये बोल रहा है सपोज क्या हुआ आपके वाटर ने किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या है कॉन्टेक्ट में आया आपका वाटर जो है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कॉन्टेक्ट में आया और कॉन्टेक्ट में आने के बाद आपको चेक करना है कि वो जो मटीरियल है वो हाइड्रो क्या ये वाटर से क्या होगा लव करेगा या फिर उससे फेयर करेगा फिलिक होगा या फिर फोबिक होगा तो आपको क्या करना है कॉन्टेक्ट एंगल की वैल्यू निकालना ये सपोज मैं कॉन्टेक्ट एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है तो क्या होता है अगर आपके थीटा की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री आती है सपोज आपने क्या थीटा की वैल्यू निकाली और आपको थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री मिली तो उस केस में जो आपका मटेरियल होगा जो वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा वो आपका क्या होगा फोबिक होगा ठीक है क्या होगा फोबिक होगा ओके okay? और दूसरा केस अगर आपने थीटा की वैल्यू निकाली और थीटा की वैल्यू क्या आई लेसर देन 90 डिग्री आई तो उस केस में जो मटेरियल वाटर के साथ कांटेक्ट में है वो क्या होगा आपका फिलिक होगा इतनी चीज क्लियर है कैसे होगा मैं आपको जैसे ऐसे समझाती हूँ देखिए जैसे इसने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है सपोज कीजिए हमने क्या है एक लीफ ली है ठीक है सपोज ये आपकी लीफ है और आपने देखा होगा लीफ्स में क्या होता है जो वाटर की जो ड्रॉपलेट होती है वो हमेशा स्पेरिकल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी ठीक है क्यों स्पेरिकल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर देखिए क्योंकि अगर आप देखो अगर आपको चेक करना है कि वाटर क्या है ये लीफ के कांटेक्ट में आया है और ये लीफ कैसा बिहेवियर यहाँ पर शो कर रही है ठीक है हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक टाइप का आप देख सकते हैं मतलब लीफ की सरफेस ठीक है इस सरफेस की अगर हम बात करें तो आपको क्या पता चलेगा आप ऐसा मेजर करेंगे क्या मेजर करेंगे पता करने के लिए आप कॉन्टेक्ट एंगल वॉटर का कॉन्टेक्ट एंगल मेजर करेंगे तो ये वॉटर है इसका अगर आप यहां पर को कॉन्टेक्ट एंगल निकालेंगे तो आपको जो यहाँ पर एंगल मिलेगा वो आपका क्या होगा ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री होगा यानी कि यहां पे आपको थीटा की वैल्यू मोर देन डिग्री मिलेगी अगर मोर देन नाइनटी डिग्री मिली तो आपको यहाँ पर को क्या है जो मटीरियल uh, है ये जो लीफ है आप इसको क्या करेंगे करेंगे फोबिक तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ वाटर ड्रॉपलेट वुड बी स्पेरिकल द दॉटर कॉन्टैक्ट विल बी सिग्निफिकेंटली हाई तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर को वाटर की ड्रॉपलेट के है तो बात है यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा बहुत ज्यादा होगा

अब जब एंगल निकालेंगे थीटा की वैल्यू निकालेंगे अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो मटेरियल हमारा फोबिक होगा अगर लेसर देन 90 डिग्री होगा तो वो हमारा क्या होगा फिलिक होगा इतनी चीज कर लेंगे तो ये जस्ट बातें आपके इवेल्युएशन ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी के ओके अब आगे बात करते हैं अब पर्टिकुलरली बोल रहा है अभी तो हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हाइड्रोफोबिसिटी अब बात कर लेते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है ठीक है तो ये बोल रहा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉटर एंड द हाइड्रोफोब्स तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमको क्या डिस्क्राइब करता है ये एक टाइप का इंटरेक्शन है इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ रिलेशन है किसके बीच में रिलेशन है एक तो ऑब्वियस सी बात है हो गया वाटर फोबिक मतलब क्या हुआ हाइड्रोफोब जिनको वाटर से क्या है फेयर है यानी कि जो वाटर में सोलिबल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं लो वाटर मॉलिक्यूल अब आप खुद ही सोचिए ना जिनको वाटर से फोबिया है तो क्या वो वाटर के साथ हो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे नहीं ऑयल वैक्स जो जो होते है, जो होते हैं हैं फैट वो वाटर के साथ मिक्सअप हो पाते है? नहीं हो पाते क्योंकि वो वाटर से फोबिया रखते हैं वाटर से दूर होना चाहते हैं रिपेयर करना चाहते हैं इतनी चीज क्लियर आई तो ये इनको आप दूसरे टर्मोलॉजी में क्या बोल सकते हैं लो वाटर सॉलेबल मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोफोब्स चीज के लिए तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज अ रिलेशनशिप ये क्या है एक टाइप की रिलेशनशिप है जो कि किसके बीच में स्टेब्लिश होती है वाटर एंड हाइड्रोफोब्स और हाइड्रोफोब को आप लो वाटर सॉलेबल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं एग्जांपल आपके लिए ऑयल फैट वगैरह हो गया वैक्स वगैरह हो गया ओके नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये बोल रहा है हाइड्रोफोब्स आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड यूजुअली अ लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियस सी बात है ये बोल रहा है हाइड्रोफोब्स जो है वो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे अगर पोलर होते तो वाटर में ऑब्वियस सी बात है सोलिबल हो जाते पोलर पोलर तो सोलबल होता है ओके okay? तो ये बोल रहा है हाइड्रोफोब्स आपके क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और यूजुअली किससे बने होते हैं ये एक कार्बन की लॉन्ग चेन से बने होते हैं है। आपने ये चीज देखी भी हुई है ठीक है हम जब स्ट्रक्चर बना रहे थे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में माइसिल्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स दिखाए थे मैंने आपको सरफेक्ट

बना होता है इतनी चीज क्लियर आई और ये जो पोर्शन है आगे का अब आप कंबाइंडली बोल सकती हूँ आयनिक पोलर जो पोर्शन है ये क्या होता है हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि इसको वाटर से लव होता है तो वाटर कभी भी मिलता है तो ये वाला पोर्शन जाके अप्रोच करता है और जो ये टेल है जो आपका नॉन पोलर कार्बन चेन की जो टेल है ये आपका क्या होती है हाइड्रोफोबिक होती है फोबिक होती है मतलब इसे वाटर से क्या होता है फेयर होता है तो ये वाटर से दूर दूर जाती है तो फोबिक का बिहेवियर होगा वो आपका क्या होगा नॉन पोलर होगा देखो हमने जैसे बोला हाइड्रोफोब्स आर नॉन पोलर यूजुअली लॉन्ग चेन के कार्बन होते हैं इतनी चीज क्लियर आई और जो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करते वाटर से दूर दूर भागने की कोशिश करता है इतनी चीज क्लियर आई अभी बोल रहा है द मिक्सिंग ऑफ अ फैट एंड द वाटर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेक्शन और आपने देखा होगा अगर हम लोग वाटर को फैट के साथ मिक्स करें या फिर फैट को वाटर के साथ मिक्स करें तो हमको क्या है इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता वाटर के मॉलिक्यूल और फैट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये बहुत कॉमन और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा पर्टिकुलर इंटरेक्शन का किसका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का ओके? Okay?

आपका वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल क्या है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता है ओके okay? अगला क्या बोल रहा है? द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इज ऑब्जॉर्व

Okay. इन्होंने बोल रहे हैं वॉटर मीडियम बिकॉज दिस अलाउ द फैट मॉलिक्यूल टू minimal contact with the water. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इन्होंनेव किया कि अगर आपके नॉन पोलर सब्सटांस जैसे कि फैट हो गया वैक्स हो गया ठीक है ये क्या करेंगे अगर आप इनको क्या है वाटर मीडियम पे डालते हैं वाटर मीडियम में छोड़ते हैं तो ये क्या है आपस में ही क्लंप अप हो जाते हैं ठीक है? है? है आपस में क्या होता है बोल सकते हैं डिपोजिट हो जाते हैं आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स अप इन वाटर किसके कंपेयर में जनरली क्या होगा हम वाटर में कुछ चीज डालते हैं तो वाटर में मिक्सअप हो जाती है लेकिन फैट वगैरह को जब डाला तो ये क्या हुआ आपस में एक क्लंप अप हो गए ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए आपस में एक अप हो गए क्यों हुए क्योंकि इन्होंने क्या करना था देखो जो फैट है जो आपके क्या है वैक्स है ये जो आपके ऑयल वगैरह रहते हैं ये आपके क्या है नॉन पोलर सब्सटेंस है और आपके क्या है ये एक टाइप के हाइड्रोफोब्स हैं तो हाइड्रोफोब का बिहेवियर क्या होता है ये वाटर से रिपल करते हैं वाटर से दूर दूर जाना चाहता है तो ये बोल रहे हैं ये इसलिए हुआ बिकॉज दिस अलाउ द फैट मॉलिक्यूल टू हैविंग अ मिनिमल कॉन्टेक्ट विद द वाटर ताकि आपका जो फैट मॉलिक्यूल है जो आपका हाइड्रोफोब है वो अपने कॉन्टेक्ट को मिनिमाइज कर सके वॉटर के साथ ओके okay? तो वॉटर के साथ कॉन्टेक्ट को मिनिमल करने के लिए मिनिमाइज करने के लिए ये सारी चीजें ऑब्जर्व हुई किनको आपके अमेरिकन के केमिस्ट जिनका नाम था वॉल्टर कुजमैन को इतनी चीज क्लियर आई अगला बोल रहे जैसे यहाँ पर आपको इमेज भी ये चीज इंडिकेट कर रही है क्या इंडिकेट कर रही है मैं आपको बताती हूँ देखिए ये जो ऑरेंज वाला सर्किल है ये मैं आपको डायरेक्टली इमेज लेके आई हूँ गूगल से क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं हो पाता है ठीक है आजकल तो मैंने डायरेक्टली ऐड कर लिया है तो देखो यहाँ पर को क्या कर रहा है ये जो आपको ये ऑरेंज कलर का सर्कल दिख रहा है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोफोब ओके okay? कोई फैट मॉलिक्यूल है ठीक है और आपको ये ब्लू कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं ये वाटर के ओके okay? अब हुआ क्या जैसे आपने वाटर के बीच में क्या है फैट डाला तो वाटर इसके चारों ओर तो आना चाहे पर देखो इनके बीच में क्या है कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा ये जो है इनके बीच में डिस्टेंस है इनके बीच में अभी कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा क्यों क्योंकि हमको पता है फैट क्या है एक टाइप का हाइड्रोफोब है ये अपने कॉन्टेक्ट को मिनिमाइज करना चाहेगा

ठीक है फोबिक के साथ किया है यानी कि फैट मॉलिक्यूल के साथ किया है तो इनके बीच में क्या है इंटरेक्शन ही नहीं बन रहा सेम चीज हमने यहाँ पे किया है वॉटर के साथ किसका इंटरेक्शन किया है फोबिक का इंटरेक्शन किया है ओके okay? लेकिन अब देखो ना इन दोनों को कंबाइन किया जब तो इनको ए, एक और इमेज आपको मिली उसमें आप क्या देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फैट फैट है ये आपस में इंटरेक्ट हो गया आप देख सकते हैं इनके बीच में इंटरेक्शन आपको दिख रहा है इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है कोई गैप नहीं है आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है मतलब कि जो ये फैट है और ये जो फैट है आपका फैट यहाँ पर क्या है हाइड्रोफोब है तो ये जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है ये आपस में तो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं बट वॉटर के साथ नहीं नहीं कर रहे, नहीं कर रहे रहे वो हाइड्रो के साथ इसका मतलब क्या है कि हाइड्रो और फोबिक कभी आपस में इंटरक्ट नहीं कर पा रहे ये आपस में क्या अपने कॉन्टेक्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं लेकिन फोबिक और फोबिक के बीच में कॉन्टेक्ट होना पॉसिबल है समझ मारा ये चीज अभी हम में भी देखेंगे इनकी तो अभी ये जैसा इतना बोल रहा है कि आपका जो हाइड्रो है और फोबिक है ये दोनों आपस

हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेंगे बोल रहा है ब्रेक करेंगे और ब्रेक क्यों करेंगे ताकि वो एक अपने बॉन्ड को ब्रेक करके एक रूम क्रिएट कर कर सके और उस रूम के अंदर आके कौन बैठ सके आपका हाइड्रोफोब यानी कि आपका फैट या फिर आपका ऑयल मॉलिक्यूल इतनी चीज क्लियर आई अब बोल रहे हैं हाउ एवर द वॉटर मॉलिक्यूल डू नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोफोब लेकिन उसके बावजूद भी वो एक रूम तो क्रिएट कर रहा है एक पोजिशन तो दे रहा है हाइड्रोफोब को लेकिन वो फिर भी क्या है हाइड्रोफोब के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोफोब को क्या है ऑयल को क्या है वाटर से फोबिया है इतनी चीज क्लियर आई अब बोल रहे हैं कंसिडर और हम इस रिएक्शन को ये जो प्रोसेस अभी जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया इसको हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि देखो जैसे आपके वॉटर के कॉन्टेक्ट

हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने क्या किया था एक रूम क्रिएट करने के लिए अपने आपस में बॉन्ड को तोड़ा था ठीक है अब होगा क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो जिन्होंने अपने बॉन्ड को तोड़ा था वो अगेन क्या है आपस में ज्वाइन करेंगे अपने बॉन्ड दोबारा बॉन्ड वापस बनाएंगे और जब मतलब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा जो आपका ये हाइड्रोफोब होगा ना ये बीच में ही कैप्चर हो जाएगा बीच में ही क्या हो जाएगा एक पहले तो ये होगा कि वाटर मॉलिक्यूल ने जो अपने बॉन्ड को तोड़ रखे हैं वो दोबारा बनाएंगे तो जैसे ही वो दोबारा बनाएंगे तो एक आइस केस लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसे आप

किसके थ्रू बना हुआ है ये केज बना है बाई हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है ये केज और इसके अंदर जाके कौन कैप्चर हो गया इसके अंदर कैप्चर हो गया आपका हाइड्रोफोम अब देखो ये आपका इसके अंदर कैप्चर हो गया तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं अब इसमें तो बिल्कुल रैंडमनेस नहीं होगी समझ में आया ना अब ये क्या है कैप्चर हो गया बंद गया है बीच में, ठीक है इस केज में एक पिंजरे में फंस गया है अब इसमें बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं होगी तो इसके लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी हम बोल सकते हैं बहुत कम हो जाएगी यानी कि ये बोल रहा है डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी लेसर देन जीरो यानी कि जीरो से भी कम इसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू

किसकी ये एंथल्पी की वैल्यू आधा नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है क्यों हो जाती है क्योंकि ये बोल रहा है बिकॉज द न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म कैन बी पार्शियली कंप्लीटली और ओवर कम्प्रेस कंपेंसेट हो सकता है फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेकिंग बाय द इंट्रेंस ऑफ द हाइड्रोफोब ओके क्योंकि यहाँ पे जो आपका नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो आपका पार्शियली कंप्लीटली और ओवर कंपेंसेट भी हो सकता है ठीक है तो जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर हम जो डेल्टा एच की वैल्यू यानी कि चेंज इन एनथेल्पी की जो वैल्यू ले रहे हैं वो हमारी कोई भी फिक्स नहीं है अभी हमने उसकी वैल्यू को ना नेगेटिव बोला है ना जीरो बोला है ना पॉजिटिव बोला है ठीक है अब अगला क्या बोल रहा है देखो अभी बोल रहा है यहाँ पर को अगर हम लोग गिफ्ट एनर्जी फॉर्मुला का यूज करें तो हमें पता है गिफ्ट एनर्जी फॉर्मुला क्या होता है डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा एच डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस हो जाता है तो अब देखो यहाँ पर हमें डेल्टा एस की वैल्यू तो पता है हाईली नेगेटिव वैल्यू है डेल्टा एच की वैल्यू हमको मालूम नहीं है अननोन वैल्यू है तो अगर हमको इसकी वैल्यू पता है कि ये क्या है लार्ज नेगेटिव है और इसकी वैल्यू हमारे लिए टोटली अभी अननोन है तो फिर भी हमको डेल्टा जी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी क्या मिलेगी डेल्टा जी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी कैसे मिलेगी देखो यहां पर लिखा है विद विदनोन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एच की वैल्यू हमारे लिए अनोन है एक्स है कुछ भी है अभी कुछ नहीं है ओके okay? तो ये बोल रहा है और उसके साथ साथ हमारे लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या है डेल्टा एस की वैल्यू लार्ज नेगेटिव वैल्यू कोई लार्ज और नेगेटिव वैल्यू है तो अगर हम कोई लार्ज नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर पुट करता है इसकी वैल्यू अननोन है तो हमारे लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो डेल्टा एच की वैल्यू हमको क्या मिलेगी एक पॉजिटिव वैल्यू तो मिलेगी ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव ही होनी है तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव डेल्टा एच की वैल्यू हमको क्या इंडिकेट करती है कि रिएक्शन जो है वो आपकी नॉन स्प

वाटर एंड हाइड्रोफो आपस में क्या इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप थ्रू थर्मोडाइनेमिक ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं इतनी चीज क्लियर आई ना समझ गए ना हमारी चीजें कहां से शुरू हुई थर्मोडायनोमिक्स की जब यहाँ पर एक केज बना एक क्लैथरेट बना जिसने क्या किया एंट्रोपी को रिड्यूस किया एंट्रोपी की वैल्यू को मिनिमाइज किया ठीक है एंट्रोपी नेगेटिव आई डेल्टा एच की वैल्यू हमें नून नहीं है तो हमने डेल्टा जी की वैल्यू निकाल दी जो कि हमें पॉजिटिव मिली जिस वजह से रिएक्शन हमको नॉन स्पॉन्टेनियस अपे हो रही इतनी चीज क्लियर आई अब देखो ना अभी हमने थर्मोडायनोमिक ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन देखा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब वाटर और सॉरी हाइड्रो और फोबिक के साथ हमने इंटरेक्शन देखा है अब हम लोग जो इंटरेक्शन देख रहे हैं वो फोबिक और फोबिक के साथ देख रहे हैं हमने क्या देखा था कि हाइड्रो और फोबिक तो इंटरेक्शन नहीं करते हैं। और वो हमने प्रूफ भी कर दिया बाई थर्मोडायनोमिक अब हम देखते हैं कि फोबिक और फोबिक तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इसको हम प्रूव करते हैं बाय ओके okay? तो चलिए आगे देखते हैं देखिए बाकी बड़े अब देखो फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोफोबिक इंट्रक्शन बट यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन है वो किसके बीच में हो रहा है दो हाइड्रोफोब्स के बीच में हो रहा है वाटर और हाइड्रोफोब के बीच में नहीं दो हाइड्रोफोब्स के बीच में हो रहा है यानी कि दो ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच में है. हो रहा रहा है है okay? ओके तो क्या बोल आप सुनिएगा ये बोल रहा है द द मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ ऑफ अ अ हाइड्रो सो सॉरी सुनिएगाइड्रोफोब एंड द वाटर मॉलिक्यूल आर नॉन स्पॉन्टेनियस हमने अभी देख लिया कि अगर हमने हाइड्रोफोब्स को वाटर के साथ मिक्सअप किया तो रिएक्शन थर्मोडायनेमिक हमारी क्या आई नॉन स्पॉन्टेनियस आई इस वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है ओके okay? लेकिन बट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवी द हाइड्रोफोब अगर हम लोग हाइड्रोफोब के दो हाइड्रोफोब के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस आएगा आएगा मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन हमारा फैसिलेट होगा पॉसिबल हो पाएगा ओके क्यों हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको वो थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज आपको देखनी होंगी तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इस केस की बात करें कि जब दो हाइड्रोफोब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उस केस की अगर हम लोग बात करें तो इस केस में हमको एमथेल्पी की वैल्यू यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलेगी पॉजिटिव

वजह से क्या होगा यहां पर को एंथेल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी ओके okay? दूसरी साइड अगर हम लोग एंट्रोपी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जब क्लैथरेट केस टूट रहा है तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो एंट्रप्रिक एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पर को क्या होगी इंक्रीज होगी यानी कि डेल्टा एस भी आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया तो आपको दोनों वैल्यू मिलगी डेल्टा एच इज टू पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव ठीक है तो अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम लोग गिप्स की इक्वेशन में से पुट करेंगे तो अगर हमारी डेल्टा एच भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है डेल्टा एस भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो जी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ठीक है तो अगर हमको जी की वैल्यू नेगेटिव मिली तो जी नेगेटिव आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो इंटरेक्शन है वो आपका स्पॉन्टेनियस है और ये इंटरेक्शन आपका फैसिलेट हो पाएगा तो आप जैसे थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक लगा के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा आपको वही निकालना है जो आप पहले से बेसिक निकालते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है इट मीन इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्पॉन्टेनियस है यानी कि इंटरेक्शन क्या होगा फैसिलेट होगा जो कि कब के कि, किसके केस में आपको देखने को मिला जब दो हाइड्रोफोब आपस में इंटरेक्ट करते हैं इतनी चीज क्लियर आई अब आगे बढ़िए अब देखो यहाँ पर वही इमेज आपको रिप्रेजेंट करिए इमेज माइंड पर रख लीजिएगा बाकी थ्योरी तो आप खुद ही कर लेंगे ये इमेज आपको क्या बोल रही है देखो पहली इमेज आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है इमेज बनाइएगा ठीक है पहली इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ है है आपका आपका ऑयल ऑयल ये वाटर के मॉलिक्यूल है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या है आपस में देखो ये ऑयल के साथ क्या है इंटरेक्ट नहीं कर पा रही इनके बीच में अच्छा खासा गैप है इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये यह है यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है रीजन ये है कि यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव

मतलब जितना भी ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था इसके अंदर हमने ये दो बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया ओके okay? लेकिन इन दोनों इंटरेक्शन से ज्यादा हमारा कौन होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो फैक्टर्स क्या है वो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन इज टेम्परेचर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यूज डिपेंड करती है कैसे डिपेंड करती है ये बोल रहा है एज अ टेम्परेचर इंक्रीज जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी क्या होने लगेगी इंक्रीज होने लगेगी यानी कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रपोशन

की कार्बन चेन होनी चाहिए तो ये बोल रहा है द मॉलिक्यूल विद ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन चेन विल हैविंग है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन तो वो मॉलिक्यूल जिनके पास ग्रेटर नंबर की कार्बन चेन होती है उनका ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन रहता है यानी कि मोर कार्बन की चेन मोर हाइट का हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन ओके अगला क्या है आपका लास्ट वन इज शेप ऑफ हाइड्रोफोप की हाइड्रोफोप का शेप कैसा होना चाहिए ठीक है तो ये बोल रहा है कि जनरली एलिफेटिक हाइड्रो और एलिफेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके ज्यादा अच्छा स्ट्रॉगर इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू एरोमेटिक मॉलिक्यूल यानी कि एलिफेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है ज्यादा अच्छा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आपको शो करा सकता है कंपेयर टू सॉरी uh, ज्यादा अच्छा शो करा सकते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक ओके यूज द द हाइड्रोफोबिक ऑफ अ अ मॉलिक्यूल एंड लीनियर कार्बन चेन विल बी प्रोवाइड लार्जर हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन तो क्या बोल रहा है कि देखो ना आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो ऑब्वियसली बात है एरोमेटिक कंपाउंड में जो कार्बन चेन होंगी वो आपको ब्रांच कार्बन चेन देखने को मिलेंगी ठीक है तो वो ब्रांच कार्बन चेन क्या करती है एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देती थी, है ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होंगे टू हाइड्रोफोब जो दो हाइड्रोफोब हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है वाटर के साथ कॉन्टेक्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे तो हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है जो आपके ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एरोमेटिक मॉलिक्यूल में जो ब्रांच कार्बन चेन होती है वो रिड्यूस कर देती है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट को लेकिन अगर आपके पास एलिफेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो एलिफेटिक के केस में तो आपको कोई भी ब्रांच चेज नहीं मिलती है ब्रांच चेन नहीं मिल रही तो हिंड्रेंस नहीं हो रहा जिसकी वजह से क्या होगा लीनियर चेन जो होती है वो क्या

इतना हमारा आज का यहाँ पर को लेक्चर नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सीएमसी पे मिलेंगे ठीक है तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर तब तक के लिए बाय बाय